सतना जिले के ग्राम पंचायत चंदई के सरपंच सचिव के द्वारा सड़क निर्माण कार्य में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, जो कि अब उखड़ चुकी है और वहां हमेशा पानी भरा रहता है, जिससे आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे कई बीमारियां भी पैदा होती है। नाली के निर्माण में दो दो बार पैसा निकाल लिया गया है, पर नाली एक बार भी नहीं बनी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे चंदई ग्राम पंचायत में नाली कहीं पर भी नहीं बनी है। नाली का पैसा सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा बंदर बांट कर हजम कर लिया गया है और अधिकारी भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही। मझगांव से पंकज कुशवाहा की रिपोर्ट। विजय कुमार कुशवाहा, वार्ड नंबर 8 में बोल रहा हूँ। हमारे इधर पानी की निकलने कोई व्यवस्था नहीं है, इसका पैसा नाली का निकल चुका है और सरपंच ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। बच्चियां जो आती हैं उसमें उनको बहुत परेशानी होती है, उनके निकलने के लिए कोई शासन की ओर से जितना पैसा आता है सब सरपंच पता नहीं क्या करता है, कुछ काम नहीं करता। हमारे इधर ये नाली ये सब पूरी हुई है, इसका पैसा निकल चुका है, शासन क्या करता है इसकी कोई इंक्वायरी नहीं, जांच ऊपर से हो नहीं रही है। सरपंच को बोले तो कहता है कि बनवाएंगे और कुछ वो नहीं करता है। लड़कियां जैसे जूता पहन के गई तो उनको बहुत तकलीफ होती है स्कूल जाने के लिए। आवेदन भी दिया गया, इसकी कोई जांच नहीं हुई है। अब बारिश जो होती है तो तब इतना कम से कम 1 फीट पानी भर जाता है, तो कहाँ से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से निकल पाएंगे बताइए। इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब इधर से आने वाले व्यक्तियों को भी आने में परेशानी, आने जाने वाले को तो परेशानी है ही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत है पानी के निकलने की व्यवस्था नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।